हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई गवर्नर ने रिजाइन कर दिया गया है और जो चुनावी नतीजे हैं वो कल आने वाले हैं और ब्रेक्जिट का भी वोटिंग चल रही है। तो गाइस, कल बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट में, जो एक टेंशन क्रिएट कर सकती है मार्केट पे। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी का फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से गिर चुका है और हम देख पा रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, आज हमने उसका इंपैक्ट भी आते हुए देख लिया है कि जो डॉलर, जो इंडियन रुपीज़ है वो 72 के ऊपर भी जा चुकी है और उसे भी ब्रेक कर चुकी है। तो ये हमारी मार्केट के लिए बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ बन चुकी है। और जो बॉन्ड डील्स हैं उन्होंने भी बहुत तेज़ी से अपस्पर्ट ले लिया है, यानी कि बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू कर दी है। सो कल गाइस, कल की मार्केट में हमें किस तरीके से बिहेव करके चलना चाहिए, कल मार्केट ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा तरीके से गैप डाउन होके एकदम से रिकवर कर जाए, बहुत तेज़ी से ऊपर जाके एकदम से नीचे गिर जाए, तो कल बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल मार्केट कल सेशन में हो सकती है। तो हम जो ट्रेड करेंगे, अगर करना भी चाहें तो ऑप्शंस के थ्रू ही करेंगे, वरना कल हम एक सावधान बन के रहेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। अगर वो एक स्टेबल हो जाती है तो ही हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करते हुए चलते हुए दिखेंगे। सो गाइस, कल कौन से ट्रेड्स हमें लेने चाहिए और जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है कि आरबीआई ने रिज़ाइन कर दिया है, क्या रीजंस रहे थे उसके आरबीआई के रिज़ाइन करने की वजह से, अगर बीजेपी की दबाव की वजह से आरबीआई ने रिज़ाइन करा है कि उनके खुद के पर्सनल इशू थे जो वो मीडिया में कह रही है, क्या सच्चाई थी, वो पूरी की पूरी वीडियो में लेकर आया हूँ अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा और उसका भी इस वीडियो के आखिरी में मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप सब समझ जाएंगे कि क्या मार्केट में कल इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो गाइस, स्टॉक्स बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको कॉल्स देता था उसकी भी हम परफॉर्मेंस भी डिस्कस करेंगे कि कॉल्स हिट होती भी हैं कि नहीं होती है मेरी। तो गाइस, जो मैंने आपको 5 कॉल्स दी थी उनके पाँचों के टारगेट्स हमें हिट होते हुए देखे थे, 5 सेल साइड में था, बाय प्राइस जो मैंने आपको बोला था जिस बाय प्राइस पर आपको बाय करना है, जो भी टारगेट्स थे, टारगेट्स भी आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर के टारगेट्स थे। अगर आप मिनिमम एक स्टॉक के 1000 शेयर भी बाय करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छा रिटर्न कमाया होगा। सो गाइस, ऐसी मेरी परफॉर्मेंसेज आपको हमेशा मिलती रहेंगी, ये मेरी है परफॉर्मेंसेज जो मैं आपको यूट्यूब के जरिए देता हूँ, जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराता हूँ, इंट्राडे कॉल्स, लाइव इंट्राडे कॉल्स जो प्रोवाइड कराता हूँ उसकी परफॉर्मेंसेज अलग हैं, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मिल सकती है या मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकती है। कल कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे उसकी अगर हम बात करें तो ONGC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, SRF होना चाहिए था, स्टार आपको दिख गया होगा, MCX, मदरसन, सुमी, ONGC सेल करने की सलाह दी जाएगी, टारगेट आपको 134.60-131.90 का लगा के चलना, स्टॉप लॉस आपको 143 का मेंटेन करना पड़ेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल करने की सलाह 414-407 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 434 का मेंटेन करना होगा। SRF सेल करने की सलाह दी जाएगी 2049-2041 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 2069 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। MCX की बात करें तो शॉर्ट 6888-6881, स्टॉप लॉस आपको 710 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो गाइस, मदरसन सुमी सेल करने की सलाह 141-146 के टारगेट के साथ, 146-141 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 158 का लगा के चलना पड़ेगा। सो गाइस, जो भी मैं आपको ये 5 स्टॉक्स और दे रहा हूँ ये भी सेल साइड के अंदर हैं, ये सारे सेल साइड के अंदर स्टॉक्स इसलिए हैं क्योंकि कल हम मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने वाले टाइम में देख सकते हैं, जब मार्केट ओपन होगी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, तो इस तरीके से मैंने आपको सेल साइड में ज़्यादातर दी है। अगर मार्केट रिकवर करती है तो हमें बाय साइड में कौन से रखने हैं, तो मैं आपको पहले सेक्टर बता देता हूँ, वो मेनली सेक्टर जो रहेगा IT सेक्टर रहेगा, IT सेक्टर रह सकता है, टॉरेंट फार्मा रह सकता है, और आप इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, टॉरेंट फार्मा, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप बेट कर सकते हैं अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। तो ये अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी की रेंज, जो मैं आपको हमेशा से बताया जा रहा था, आपको मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि निफ्टी ये रेंज को तोड़ देगी और उसके बाद हम एक ब्रेक डाउन आते वाले टाइम में देख सकते हैं, तो वो आज रेंज इसने तोड़ दी है। सो गाइस, वो तोड़ने के बाद उसे होल्ड करा है, पर अगर हमें देखना है कि कल भी उसे होल्ड कर पाती है, उसके नीचे सस्टेन होती है, तो मार्केट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी इस वीडियो में, वहां तक मार्केट आराम से जा सकती है। तो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो
सो गाइस ये मैंने निफ्टी का अर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि सिर्फ मैंने ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस के बेसिस में ही आपको पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ने वाली है निफ्टी, और उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो भी सपोर्ट तोड़ के अपना ब्रेकडाउन देने की तैयारी करने वाली है। सो गाइस जब मैंने यहाँ पर ये एक पैटर्न बनाया था, आपको मैं पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद एक रेंज में ही चली जा रही है और रेंज ऊपर की साइड जा रही है। इसका मतलब है इसे मेजर्ड पूल पैटर्न कहते हैं, मेजर्ड शेप पैटर्न। मेजर्ड शेप पैटर्न का अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है और इसका जो टारगेट होता है वो इस रेंज का डिफरेंस होता है और वो वहाँ तक जा सकता है। और उस रेंज का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है गाइस, जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का जो काम कर रही है। अब मैं आपको जूम में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने वीडियो बनाई थी जब ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो गई थी और मार्केट इस पोजीशन में थी, और मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है जो हमें एक्सपेक्टेड लग रहा है, जब हमने बताया था कि नतीजे आने वाले हैं और जब पता चल रहा था एग्जिट पोल से कि राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है एक तरीके से, एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहा था, तो हमारी मार्केट ने अब ब्रेक डाउन लिया था, वही ब्रेक डाउन सजेस्ट कर रहा है कि इसने इसे ब्रेक कर दिया था। और जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, अगर हम बात करते हैं इस पैटर्न का जो प्रीवियस सपोर्ट था 10,500 का या 10,490 का, उसे भी इसने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे भी जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। गाइस जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जो अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और 2 दिन तक इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो नेक्स्ट टारगेट इसका ये सपोर्ट हो सकता है जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जो कि 10,300 या 10,250 की, अगर हम यहाँ से मान के से चलते हैं। सो गाइस इसके नीचे भी इसकी कैपेसिटी है जाने की, अगर आपको 10,250 में मिलता है कभी भी निफ्टी, तो आप निफ्टी को वापस बाय करके चलिए, क्योंकि जो आरबीआई की गवर्नमेंट, जो आरबीआई ने जो रिज़ाइन करा है आरबीआई गवर्नर ने, वो ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो करेगा कि अगर बीजेपी 2 जगह नहीं जीतती है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, वो 10,000 के लेवल्स पर वापस निफ्टी को लेकर जाने वाले टाइम में लेकर जा सकता है। दूसरी बात, बहुत से रीज़न्स ऐसे बने जा रहे हैं जो मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रही है, यूएस मार्केट भी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो अब हमें मार्केट में कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल हमें फालतू के ट्रेड को नहीं लेने हैं, सोच समझ के हमें ट्रेड लेना है, हमें प्रॉफिट कम हो पर हमें अपनी कैपिटल को ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना, तो हम बिल्कुल ध्यान से ट्रेड लेंगे। अगर आपको ये बाइंग प्राइस पर मिलते हैं तो ही आप इसमें ट्रेड इनिशिएट करेगा, ज़बरदस्ती आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कल मार्केट खुलती है तो ये जो टारगेट्स मैंने आपको बताए रखे हैं ये ओपन होते ही अचीव हो जाएंगे और आप इसमें शेयर ट्रेड ना ले पाएं। अगर आपको लाइव इंट्राडे कॉल्स जानी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप बन सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे चुका हूँ अपने इस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ पर जाके भी मेरे साथ बने रहते हैं। जो भी मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, उसके आधे घंटे बाद मैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ कि मैंने इस प्राइस पे दिया था, टारगेट ओपन है, तो अगर आपको उस टाइम भी इनिशिएट करना होगा स्टॉप को तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उर्जित पटेल ने क्यों रिज़ाइन करा, उसके पीछे भी रीज़न क्या था, उसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है पूरे YouTube चैनल पे, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ चुका है और आपके इस वीडियो के एंड होने के बाद भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ़।